इंदिरा गांधी बनकर छा गई कंगना रनौत, टीजर शेयर कर बोली इंडिया इज अंदर आज। यहाँ बॉलीवुड की बेबाक कंगना रनौत भले ही अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरी रहती हो, लेकिन उनका उनकी अदाकारा हर बार लोगों का मुंह बंद कर देता है। कंगना रनौत की इमरजेंसी का पहला टीजर प्रोमो रिलीज हो गया है। कंगना पहली बार खुद अकेली किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रही है। इस फिल्म के जरिए कंगना लीड डायरेक्टर भी बन गई है। हालांकि इससे पहले उन्होंने मणिकर्णिका ने भी को डायरेक्टर बनकर डायरेक्शन की कमान संभाली थी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। टीजर के साथ ये भी बताया गया कि ये फिल्म 24 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुपम खेर की आवाज़ के साथ शुरू हुआ टीजर खत्म इंदिरा बनी कंगना के डायलॉग के साथ होता है। कंगना के लुक के साथ उनके बोलने तक का तरीका बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह है। उन्हें देखकर और सुनकर लोगों को फिल्म से काफी उम्मीद हो गई है। टीजर में कंगना का डायलॉग है कि मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इस डायलॉग को कंगना की आवाज में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।